नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे एक क्योसरा का प्रिंटर है हमारे पास, जो इसका मॉडल नंबर है M2640IDW। उसमें पेपर जाम की समस्या है और पेपर यदि फंस जाता है तो किस तरीके से निकाला जाता है आज हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दें जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अभी हम आगे हैं प्रिंटर के डिस्प्ले पर, देखिए पेपर जाम शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ तरीके हैं जिससे पेपर जाम आपको बाहर निकालने में मदद मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। ये देखिए मॉडल है, नंबर है M2640। कभी जब पेपर फंसता है लिफ्ट होते ही समय यहाँ पर थोड़ा रुका रहता है, तो यहाँ से पकड़कर आप निकाल सकते हैं। ट्रे को बाहर निकाल के थोड़ा सा ऊपर करके हाथ डाल के देखेंगे तो पेपर वहाँ पर रहेगा, तो वहाँ पर हाथ में लगेगा और निकाल लेंगे। और बैक साइड आते हैं, बैक साइड में देखिए ये जो ग्रीन वाइट कलर का है, यहाँ में थोड़ा पुश करके दबा के बाहर की तरफ खींचना है। दबा के हल्का सा बाहर खींचेंगे आ जाएगा। और देखिए ये ग्रीन कलर का, वो वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पेज यहाँ पर ही रुके रहेगा। ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, हाँ आराम से खींच के निकालिएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी पेपर नहीं है तो छोड़ देंगे, यदि फंसता है तो ऐसे काम करना है, क्योंकि हम सारी जगह बता रहे हैं जहाँ जहाँ पेज फंसता है। देखिए एक बटन है सामने, सामने साइड में बटन को दबाएंगे तो आगे का डोर खुल जाएगा, डोर खुल गया है। और देखिए साइड में एक ब्लू कलर का हैंडल दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखिए ये वाला, इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ दबाएंगे तो यूनिट ऊपर उठ जाएगा। और हाँ ये पकड़ के अच्छे तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे और कहीं सेफ जगह पर रखेंगे। अभी हम तो मशीन के ऊपर ही रख दिया है, पर आप सेफ जगह पर रखिए, कहीं गिरे ना, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए पेज तो दिख नहीं रहा है अंदर कहीं भी, तो क्या करेंगे, पेपर तो फंसा है तो हम क्या करेंगे। ये देखिए एक अंदर में और एक यूनिट है, उसमें देखिए वो ब्लू कलर का जो क्लिप दिखाई दे रहा है अंदर में, हाँ ये वाला जो है ब्लू कलर का क्लिप, हल्का सा पुश करके उठाना है, थोड़ा सा उठा के बाहर की तरफ खींचेंगे तो आ जाएगा ये भी बाहर। ये देखिए आराम से आ गया, आराम से खींचना है, कहीं फंसता है तो थोड़ा देख के आराम से खींचना है, ना कि ज़बरदस्ती खींच के देना, यूनिट को ही तोड़ देना। देखिए पीछे साइड में वो पेपर फंसा हुआ है, तो इस पेपर को बाहर हम आसानी से धीरे से निकाल लेंगे, क्योंकि जब पेपर फंसता है तो मुड़ के फट जाता है, कहीं इधर उधर खींचने में सब लोग फाड़ देते हैं तो अटक जाता है। और देखिए सी लगे ग्रीन कलर का, ये जो है ना ब्लू कलर का हैंडल, उसके नीचे भी पेपर देखिए आधा फटा हुआ फंसा हुआ है, तो यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे पेज के फटे वाले को। इधर उधर देख लेंगे कहीं पेज रुका तो नहीं है। अभी क्या करेंगे, सारा जगह पे हमने देख लिया, पेपर निकाल लिया है और यूनिट को सेम जैसे ही लगाया था वैसे ही लगा देना, जैसे निकाला था वैसे ही लगा देना। देखिए आराम से ही बैठाना, धीरे से पुश करेंगे अंदर की तरफ, आराम से अपनी जगह पर बैठ गया। तो आप भी ऐसे ही आराम से बैठ के बैठा दीजिए यूनिट को, और देखिए ये यूनिट को ऐसे आराम से प्रॉपर बैठाना है, थोड़ा भी मिस वो नहीं करना है। थोड़ा ये एक ही हाथ से मोबाइल बना रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, पर ऐसे करके आराम से बैठा देंगे, बैठ जाएगा। जब अच्छे तरीके से बैठेगा तभी दोस्तों ये डोर बंद होएगा, अच्छे से नहीं बैठा है तो नहीं बंद होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, एकदम प्रॉपर अच्छे से बैठाइएगा। देखिए हमारा मशीन रेडी हो गया है, पेज जो फंसा हुआ था वो बाहर निकल गया है। तो एक हम अभी जीरोक्स करके देखते हैं, ADF में एक पेपर रख के जीरोक्स मार के देखते हैं कि दोबारा से पेज तो फंसता नहीं है। तो हमने पेपर रख दिया है ADF में और यहाँ से एक प्रिंट मार देंगे। देखिए प्रिंट मार दिया है और ये स्कैन हो रहा है, स्कैन होके अभी प्रिंट नीचे से आएगा। ये देखिए हमारा प्रिंट आ गया है, यानी कि जो फंसा हुआ पेपर था वो बाहर निकल गया है। थैंक यू।